A very warm welcome to you all students. So today we are starting a new chapter, Changes Around Us. So it is just an introduction video. ये एक introduction video, मैं बहुत छोटा सा video ही मैं आपके लिए बना रही हूँ. ये introduction video है Changes Around Us का, ठीक है. Basically हम इस chapter में क्या पढ़ेंगे, देखिए. कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम काम ले तो फिर वो फिर से उसी चीज़ में चेंज हो सकती हैं. कुछ चीज़ें होती हैं फिर वो हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काम ले तो फिर वो वापस वैसी नहीं हो पाती है, ठीक है. और हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट. जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, राइट. तो चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं, राइट. जैसे कि हम बड़े हो रहे हैं तो हम वापस छोटे तो नहीं हो सकते ना, लेकिन कुछ तो वो इररिवर्सिबल हुआ. लेकिन अगर हम वापस नहीं अगर हम कैसे जैसे बात करें, पेपर को अगर हमने फोल्ड किया और फिर हम कोशिश करें उसको वापस वैसे लाने की, तो वो हो सकता है, राइट. वो वापस वैसा हो सकता है. सो दैट इज़ रिवर्सिबल. तो अभी हम इररिवर्सिबल की बात कर रहे हैं और रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में. रिवर्सिबल क्या होता है, वो चेंज जो रिजर्व्ड हो सकता हो, और इररिवर्सिबल होता है वो चेंज जो कि रिवर्स्ड नहीं किया जा सकता हो, उसे हम बोलते हैं इररिवर्सिबल चेंज. सो रिवर्सिबल चेंज होता है अ चेंज दैट कैन बी रिजर्व्ड इज कॉल्ड अ इररिवर्सिबल चेंज. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, थ्रू एग्जांपल हम पढ़ेंगे, राइट. एक एग्जांपल लेंगे हम रिवर्सिबल के लिए. हम बलून लेते हैं. सपोज ये एक बच्चा है, ये बच्चा बलून फुला रहा है. ओके. तो जब वो बलून फुला रहा है तब तो वो मोटा हो जाएगा बलून जो है, लेकिन फिर जब वो बलून को फिर से उसकी जो अंदर हवा है उसको निकाल देगा तो फिर से वो बलून वैसा का वैसा हो जाएगा, राइट. सो दैट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. लेकिन अगर वो बलून जो है अगर हम उसको एक नीडल से फोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा. सो दैट इज़ अ इररिवर्सिबल चेंज, है ना. जैसे रिवर्सिबल चेंज में होता है अ चेंज दैट कैन बी रिजर्व्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. इररिवर्सिबल चेंज होता है अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिजर्व्ड इज कॉल्ड एन इररिवर्सिबल चेंज. अब फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है वो चेंज जिसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं सिर्फ उनकी शेप और साइज बदलता है, राइट. उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. अच्छा, केमिकल चेंज क्या होता है, वो चेंज जिसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज फॉर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज. कैन आई गिव यू एग्जांपल, लेट मी टेल यू. Changes in which no substances are formed are called physical change. For example, breaking of a glass or freezing of a water, tearing of paper. Changes in which no substances that new substances which different properties are formed
आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। लेट मी टेल यू। हाँ बच्चों, फिजिकल चेंज होता है व्हेन ओनली शेप और साइज चेंजेस, जब सिर्फ शेप और साइज जो है वो ही चेंज होता हो, राइट। और केमिकल चेंज होता है जब कुछ भी चेंज नहीं होता हो, ओके, वो एकदम वैसा का वैसा। Now, cooking of food, burning of substances. So, there are some of the example of chemical changes. Are as entirely new substances are formed, burning of a candle, wax release, carbon dioxide and water vapor. That are new substances. Then, physical change. It's an example of change when shape, देखिए physical change में क्या होता है, जैसे मैंने एक बल्ब लिया उसको नीचे गिराया तो वो टूट जाएगा, लेकिन अभी भी वो बल्ब तो है ही ना, और तो कोई उसका नाम नहीं है, बल्ब तो है ही, बस उसने अपनी शेप चेंज कर दी है, राइट। तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। शेप और जब साइज चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एक फिजिकल चेंज। फाइन, प्लीज टू रिमेंबर। ओके, अब है ये समरी पढ़ लेते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है। वैसे तो हम इंट्रोडक्शन अपने चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, चैप्टर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी ऑफ कोर्स, और जो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो भी हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो कर ही लेंगे, राइट। हाँ, तो समरी में है चेंजेस हैपन अराउंड अस एंड ऑल्सो विद इन अस, राइट। सम चेंजेस आर रिवर्सिबल वाइल सम अदर आर इररिवर्सिबल। Some changes are physical changes, some are chemical changes. Heating causes expansion in a material. Cooling causes contraction in a material. Gases expand the most and solids expand the least. Gases contrast the most and solids contrast the least. Achha, ek cheez batao. Suppose, ek example lete hain, milk hai, right? मिल्क, जो मिल्क है, मिल्क को अगर हम फ्रीज करें तो आइस बन जाएगा, फिर आइस को जब हम मेल्ट करें तो फिर मिल्क बन जाएगा, और मिल्क से अगर हम कर्ड बनाएं तो क्या फिर से मिल्क बन सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। मिल्क से हमने कर्ड बना ली है, लेकिन कर्ड जो है उससे मिल्क नहीं बन सकता। सो दैट इज अ इररिवर्सिबल चेंज। इररिवर्सिबल चेंज, ओके। So that's all the introduction video, very short introduction video जो अभी हमने किया। हम और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे अपने चैप्टर वाले वीडियो में, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वाले वीडियो में हम एक बार फिर से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन
रखेंगी। ऑफ कोर्स वो तो करना ही पड़ता है, वरना फिर आप कैसे याद कर पाएंगे कि हमने इंट्रो पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या किया था। सो ये इंट्रोडक्शन वीडियो, आफ्टर दैट मैं एक पार्ट वन वाला वीडियो बनाऊंगी इस चैप्टर का। पार्ट वन वाले वीडियो के बाद मैं बनाऊंगी एक पार्ट टू वाले वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।